नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। कुल 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। 676 लोगों की प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। वहीं लगातार सभी दिग्गज जो मतदान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 7 बजे 7 से 7:30 के बीच मतदान केंद्र पहुंचे थे, उन्होंने मतदान किया। इस बीच कई दिग्गज मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दावे नहीं करी। देखिए, दावे वो लोग करते हैं जिन्होंने झूठ की राजनीति की। हम लोगों को भरोसा है, हम लोगों को यकीन है, जब आप सत्य काम करते हैं, जब आप परीक्षा में आपने अच्छी पढ़ाई की तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है। 5 साल में हमने अच्छा काम किया, ईमानदारी से किया। हमारे प्रधानमंत्री पे, हमारे मुख्यमंत्री पे कोई दाग नहीं है, पूज्य महाराज जी पे एक दाग नहीं है। 70 साल में जो काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, 5 साल में हुआ। तो हम लोग अपने काम के विश्वास पे, सुरक्षा व्यवस्था पे, हम लोगों की छवि पर, हम लोग को जनता बहुमत की सरकार दे रही है। हम लोग 300 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। आज ऐतिहासिक वोटिंग पूरे पूर्वांचल में हो रही है। मैं हर जगह जा रहा हूं, हर जगह यहां पे भी चेक कर रहा हूं कि नाम वाम सब व्यवस्था सब सारी ठीक है। ये पर्ची सेंटर है हमारा, हर जगह भीड़ है और सुबह से लाइन लगी। वोटिंग परसेंटेज आप देखिएगा शाम तक एक ऐतिहासिक होगा। हम लोग और इस बार हम लोग 9 की 9 सीटें गोरखपुर मंडल की जीत रहे हैं। जो चिल्लू पार हम लोग कभी नहीं जीतते थे, वो भी अब जीत रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, समाजवादी पार्टी अब महाराज जी पे तंज करते हुए गुल्लू और कुल्लू की बात करने लगे हैं, क्या उनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं या क्या? देखिए, लोगों ने हमेशा ये राम विरोधी रहे हैं। ये लोगों ने भगवान राम को भी, उनके भी अस्तित्व पे प्रश्न उठाया है। ये लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलाई है। ये लोगों ने गोजी डंडे से भगवाधारी को मारा। ये भगवा पे जंग लगना, गुल्लू और कुल्लू बोलना, चिलमवादी कहना, ये इन लोगों की मानसिकता है। 10 मार्च को इनको जनता जवाब दे देगी और सारी बातें, ये सब लोग विदेश चले जाएंगे। रवि किशन ने ये बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जब आप पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो परीक्षा का परिणाम भी अच्छा आता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से 5 साल काम किया है, जो 70 सालों में नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में किया है। इसी बीच संजय निषाद की भी कुछ बातें सामने आई है, चलिए आपको सुनाते हैं कि संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है। ये मेरी कर्म भूमि है और यहाँ से मैंने एक निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल पार्टी खड़ा किया। और मैंने मोदी जी से बहुत पहले एक बार मिला, उन्होंने पूछा क्या चाहिए, तो मैंने कहा भाई मेरी पार्टी का नाम निर्बल है और जिनके पास खाना नहीं होता, रोटी कपड़ा मकान नहीं होता, निर्बल हो जाता। मैंने क्या चाहते हैं, मैंने कहा भाई हम चाहते हैं कि देश का अनाज सपा बसपा कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण सड़ रहा है और गोदामों में सड़ रहा है और गाँव के गरीब भूखों मर रहा है, वो अनाज उनको पहुँचा दिया जाए। उनके जो हिस्से बनते हैं, राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपये भेजते हैं 85 दलाल खा जाते हैं, 15 गांव जाता है 20 पा जाते हैं, तो ऐसे में वो दलालों को हलाल किया जाए और उनका जनता का पैसा सीधे दिया जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आज जनता खुश है और उसको वजह सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर इसमें सभी लोग कमल 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 कर रहे हैं, क्योंकि आज तक गरीबों को, महिलाओं को किसी ने दिल्ली से नज़र नहीं देखा। सारे लोग केवल वोट लेने का काम किया, कभी इन पर नज़र कभी गड़ाए नहीं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी मिलकर इस बार एक मजबूत गठबंधन है और मजबूत सरकार बनेगी और 300 पार होगी। निश्चित रूप से सबका बटन दबाया था, कांग्रेस का दबाया, उसने उनकी फाइल गायब करा दिया, इनके अंथा समन सारा लूटपाट मचा दिया, कांग्रेस को देश ने भगा दिया, हमारा समाज कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस मर गई, साइकिल वालों ने धोखा दिया, साइकिल ने गोली चलाई, हम मांग कर रहे थे रेल ट्रैक पर और देखो गुर्जर आंदोलन था, एक डंडा नहीं बजाया, 1 घंटे में गोली मार दिया, 302 फर्जी मुकदमा लगाया, देश का अपराधी घोषित कर दिया हमारे जैसे। तो मेरा समाज देख रहा ना कि ये साइकिल मतलब प्यारी नहीं हत्यारी है, इसलिए उसे छूना बंद कर दिया, साइकिल टूट के पंचर हो गई, हाथी छूना बंद कर दिया, तमाम नेताओं को मरवाया, तालघाट नदी छीन लिया, तो उनसे एलर्जी हो गई, छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी उन्हें दे रही है सबका साथ बिना भेदभाव के, इनके मकान बन रहे हैं, इनके अनाज आ रहे हैं, इनके खाते में पैसे आ रहे हैं, ये मजदूर हैं, गरीब हैं, तो इनके मजदूरों का जो भी इलाज हो रहा है सब मिला, तो इसलिए मेरा समुदाय पूरा का पूरा, और मैं उनका वकील हूँ,
मोदी जी गले लगाते हैं, अमित शाह जी गले लगाते हैं, योगी जी गले लगाते हैं और इनकी बातों को सुनकर तवज्जो देते हैं। मत्स्य मंत्रालय ने किया, 20,000 करोड़ रुपया अलग से दिया, फ्री में बीमा है, निषाद राज का किला बनाया है, पर्यटक स्थल घोषित किया है, तो कितना ये सारा इतिहास अगर भारतीय जनता पार्टी बना रही है तो मैं उनका वकील हूँ, तो मेरे वकील के साथ जनता रहती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा 18% आबादी मछुआ समुदाय उनके साथ है, वोट कर रहा और 300 पार जीत होंगे। संजय निषाद की बातें आपने सुनी। संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हमेशा से शोषित और दलितों के पक्ष के लिए काम किया है उन्होंने, वो हमेशा करते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो काम कर। उन्होंने कहा कि योगी जी मोदी जी हमेशा से उन्हें गले लगाए हैं और इसलिए वो हमेशा से दलितों के लिए काम करते रहेंगे। वो इसी बीच की बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर में के दमकुही राज के पिपरा घाट में मतदान का बहिष्कार किया गया है। रणजीत टोला में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। कुशीनगर की दमकुही राज से बड़ी खबर, बूथ संख्या 320-321 पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। पक्का पुल की मांग को लेकर यहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों को समझाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। बीच की बड़ी खबर कुशीनगर के तमकुही राज से सामने आ रही है। पिपरा घाट में मतदान का बहिष्कार किया गया है। रणजीत टोला में मतदान का बहिष्कार किया गया है। बूथ संख्या 320, 321 और 322 पर नहीं पहुंच रहे हैं मतदाता, वहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। पक्का पुल की मांग को लेकर और ये मांग पूरी नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों को समझाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। कुशीनगर से मतदान बहिष्कार की खबर सामने आ रही है। तमकुही राज के पिपरा घाट टोला में मतदान का बहिष्कार किया गया है। रणजीत टोला में भी मतदान का बहिष्कार किया गया है। बूथ संख्या 320, 321, 322 पर नहीं पहुंच रहे मतदाता, पक्का पुल की मांग को लेकर मतदान के यहां पे बहिष्कार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं ग्रामीणों को समझाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। तमकुही राज के पिपरा घाट में मतदान का बहिष्कार किया गया है। रणजीत टोला में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बूथ संख्या 320, 321 और 322 पर नहीं पहुंचे मतदाता, पक्का पुल की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया है। वहीं ग्रामीणों को समझाने में अधिकारी लगातार जुड़े हुए हैं। बात अगर तमकुही राज की करें तो अजय सिंह लल्लू भी वहां से प्रत्याशी हैं। से में देखना यह होगा कि क्या अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में कामयाब होते हैं, क्या अधिकारियों की बात ग्रामीण समझेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से विरोध सामने आ रहा है पक्का पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। बता दें कि कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, कुशीनगर के तमकुही राज के पिपरा घाट में मतदान का बहिष्कार किया गया है। रणजीत टोला में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पोस्टर और होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पोस्टर लेके ग्रामीण खड़े हैं और उनका एक मांग है, पक्का पुल नहीं तो वोट नहीं। और यहाँ पर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन भी करते दिखे हैं पोस्टर लेकर के। उनका कहना है कि वो वोट का बहिष्कार करेंगे, वो मतदान नहीं करेंगे। इनको समझाने में प्रशासन लगातार जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो मतदान करें, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। पोस्टर्स लेकर के ग्रामीण यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, ग्राम सभा पिपरा घाट गोला घाट पर पक्का पुल बनाने की मांग की जा रही है ग्रामीणों द्वारा, जिसको लेकर बहिष्कार किया गया है मतदान का वहां पर। बात यह भी है कि तमकुही से जो अजय कुमार लल्लू हैं वो भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से तमकुही राज से अजय कुमार लल्लू चुनावी मैदान में है, जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है।
कुशीनगर से सामने आ रही है जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। आपने तो जीरो में देखा कि ग्रामीण पोस्टर लेकर पक्का पुल नहीं तो मतदान नहीं का विरोध कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुशीनगर से ज्ञानेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानेश्वर, क्या कुछ पूरा मामला है और अधिकारी क्या कुछ समझाने का प्रयास कर रही है जनता को? जी, मैं आपको बता दूं, पिपरा घाट एकमाली तमकोही राज विधानसभा में आती है और यहाँ की जनता ने एक मांग की है, पुल नहीं तो वोट नहीं। इस आधुनिक युग में भी वहाँ पुल नहीं बना है। जी, तो क्या जनता की मांग पहले नहीं थी? नेता जनसभाएं कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, क्या तब जनता ने ये मांग नहीं की? और अगर मांग की तो क्या किसी प्रत्याशी द्वारा ये आश्वासन नहीं दिया गया कि मतदान के दिन वहाँ की जनता मतदान का बहिष्कार कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी जनता ने अपनी मांग की थी और कोई भी या प्रत्याशी इससे रुचि लेने को तैयार नहीं था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर असीम राय वहां पर गए हैं और ग्रामीणों को समझा बुझा करके मतदान के लिए वापस प्रेरित किया है। अब वहां मतदान की प्रक्रिया चालू हो गई है। और अगर बात किया जाए तो तमकुही राज से अजय कुमार लल्लू भी चुनावी मैदान में है, क्या उनकी तरफ से कोई दावे और वादे नहीं किए गए कि जनता को पुल दिया जाएगा? नहीं जी, नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। या वहाँ पर डॉक्टर असीम राय बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वहाँ पे गए हैं और जनता से अपनी बातें कही हैं, जनता ने इस बात को स्वीकार भी किया है। तो क्या डॉक्टर असीम कुमार जो आज गए हैं प्रत्याशियों से बात करने, उन्होंने प्रत्याशियों से पहले बात नहीं की थी? ऐसी क्या हालात हुई कि आज प्रत्याशियों को पोस्टर लेकर के ये प्रदर्शन करना पड़ा और कहना पड़ा? क्या आश्वासन उन्हें प्रत्याशियों द्वारा पहले नहीं दिलाया गया था जब लोग जनसभाएं कर रहे थे, बड़ी बड़ी हस्तियां वहां जाकर जनसभाएं कर रही थी, तब ये वादे उनसे नहीं किए गए? या फिर जनता को इनके वादों पर भरोसा ही नहीं है इसलिए आज जनता को मतदान का बहिष्कार करना पड़ा? जी, जनता को इनके बातों पर भरोसा नहीं है, इसी नाते इनको मतदान का बहिष्कार करना पड़ा। ये कई सालों से ये मुद्दा उठ रहा था और इस पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या प्रत्याशी किसी का भी नजर नहीं जा रहा है। तो अभी वहाँ की जनता अंतर्गतवा विवश होकर के मतदान का बहिष्कार किया है। तो वहाँ की जनता का क्या कुछ कहना है और किन शर्तों पर वहाँ की जनता मानेगी और मतदान केंद्र जाएगी? जी, मैं आपको बता दूं, जनता के बीच में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर असीम राय गए हैं और जनता को ये बताया है और आश्वासन दिया है कि मैं अगर आप लोग मुझे जिताते हैं तो मैं इस पुल का निर्माण कराऊंगा और इस क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। जिस बात को लेकर जनता मान गई है और वोट देने को तैयार हो गई है। जी, जनता मान चुकी है ज्ञानेश्वर, अब वोट देने को तैयार है? जी जी, जनता मान गई है और पोलिंग जो बूथ है वहां पर जनता वोट देने के लिए जा रही है। तो जनता का जो अगर बात की जाए तो जनता का एक अहम मुद्दा भी होने वाला है कि उनको पुल चाहिए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कितनी खरी उतर पाती है और मौजूदा जो वहां से विधायक है उनका क्या कुछ कहना है इस पे ज्ञानेश्वर? ये जो मौजूदा विधायक है वहां के, उन्हें मैंने यह बताया है कि मैं भी गया था और जनता से बातचीत का प्रयास किया है लेकिन जनता हमारी बात को मानने से विफल कर गई है। जी, तो ये मौजूदा विधायक की कितनी बड़ी असफलता है ज्ञानेश्वर कि मौजूदा विधायक ने उनका विकास नहीं किया और जनता को वोट का बहिष्कार करना पड़ा है अपनी मांग को मनवाने के लिए? जी, कहीं ना कहीं आपको बता दूं, ये जो मौजूदा विधायक हैं उनकी एक ये बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है और जनता में यह काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी, चलिए, फिलहाल जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है ज्ञानेश्वर मतदान केंद्रों पर? मतदान केंद्रों पर मैं बता दूं, वोटरों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है और शांतिप्रिय तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल ज्ञानेश्वर, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए और मतदान केंद्रों पर भी अपनी नजर बनाए रखिए। हम जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर हमारे साथ कुशीनगर से जुटे, तो उन्होंने बताया कि जो भाजपा के प्रत्याशी है डॉक्टर असीम कुमार वो पहुंच चुके हैं वहां पर और लोगों को मनाया। उनके मनाने के बाद लोग अब बूथों पर जा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी नाकामयाबी इस घटना में यह भी सामने निकल के आती है मौजूदा विधायक की कमी जो है। ऐसी क्या कुछ उन्होंने विकास कार्य किया 5 सालों में कि आज मतदान के दिन जनता को वोट का बहिष्कार करना पड़ा? कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही थी जहां पर जनता ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर असीम कुमार के समझाने पर अब जनता मान गई है और वह मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर दिया गया है और लोग अपने मताधिकार का
प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उन्नाव में दिखा रफ्तार का कहर, पिकअप और कार में आमने सामने हुई भिड़ंत, कार सवार युवक समेत तीन लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भर्ती कराया। कोतवाली पुरवा के खरगी खेड़ा तोरा गांव का यह पूरा मामला सामने आया है। उन्नाव में दिखा तेज रफ्तार का कहर, पिकअप और कार में आमने सामने हुई भिड़ंत, कार सवार युवक समेत तीन लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भर्ती कराया। कोतवाली पुरवा के खरकी खेड़ा तोरा गांव का यह पूरा घटना सामने आई है। नाव में दिखा रफ्तार का कहर, पिकअप और कार में आमने सामने हुई भिड़ंत, में छठे चरण का चुनाव लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक ये चुनाव हुआ है और चुनाव को लेकर कुछ लोगों की बातें सामने आई है। चलिए हम आपको सुनाते हैं। मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाला है? अच्छा बेरोजगारी अच्छा रखेंगे कि हमको रोजगार मिले, सुरक्षा मिले। क्या नाम है? आप पहली बार वोट डाली है? किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाला है? और जो सरकार जिसको लेकर के आपने वोट डाला, अगर उसकी सरकार बनती है तो उससे क्या उम्मीदें रखती हैं? पहली बार वोट डाल करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप यहाँ ग्राम पंचायत सिकटा के प्रधान प्रतिनिधि हैं, ऐसे में यहाँ ग्राम पंचायत सिकटा में कुल कितने वोटर हैं? 1320। इसमें से कितने नए हैं? 41। तो जिलाधिकारी द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो ग्राम पंचायत नंबर 1 पर रहेगा उसे 50,000 का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, इसको लेकर के आप क्या इसके लिए देख रहे हैं? में हमने जो है प्रयास किया, वोटरों को जागरूक किया, मतदाताओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े हमारे यहाँ और हम इस प्रोत्साहन में जो है नंबर 1 पर आए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या क्या उपाय आपके द्वारा किए गए हैं? जो है हमने जाकर के बताया है कि रैली का आयोजन किया गया, रैली किया गया, घर घर जाकर के उनको जागरूक किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए जिससे विकास बढ़े और मतदाता सरकार बने अच्छी तरीके से जो संचालन। सर्वप्रथम मैं इस आदर्श वोट संख्या का मैं प्रभारी हूँ और मैं सारी मतदाताओं का मैं स्वागत करता हूँ। मैंने इस आदर्श बूथ बनाने के लिए यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, यहाँ पे सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है और अधिक से अधिक इसका सजावट किया गया है जिससे कि लोगों के अंदर मतदान के लिए रुचि जागृत हो, जिससे वो लोग वोट डालें और लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बने। जी मैंने अपना पूरा प्रयास किया हुआ और मेरे सभी सहयोगी स्टाफ ने इसका पूरा सहयोग दिया है और मैं अपना 100% देने का प्रयास किया है और मैं चाहता हूं कि ये ग्राम पंचायत प्रथम स्थान पर आए, इसका वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लोगों को वोट परसेंट बढ़ाने के लिए लोगों को विभिन्न तरीके के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और यहाँ पे वहाँ पे जलपान का भी व्यवस्था किया गया है और जिससे लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। कोविड प्रोटोकॉल के को लेकर के क्या व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं? प्रोटोकॉल को लेकर यह है कि यहाँ पे मास्क अनिवार्य किया गया है, मास्क का यहाँ से पर्याप्त व्यवस्था की गई है, यहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क का भी व्यवस्था किया गया है जिससे अगर उसको सैनिटाइज किया जा सके और चुनाव बूथ को तैयार करते समय भी इसको पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया है। लोगों का मत सुनाओ, सिद्धार्थनगर में ये एक अलग मुहिम भी चलाई गई है कि जिस मतदान केंद्र पर ज्यादा मतदान होंगे, जिस गांव का ज्यादा मतदान होगा वहां का जो इंचार्ज होंगे उनको 50,000 की धनराशि का पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपने अलग अलग जगहों से लोगों की बातें सुनी और इसी में कई मुद्दे भी सामने आ रहे हैं जहाँ पर विकास कार्य ना होने के चलते मतदान का भी बहिष्कार किया गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार उन्हें मनाने की भी कोशिश की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सभी संवाददाता मौजूद हैं, हम पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ पाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।